अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर हम स्टार्ट करने लगे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज़। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इनिशियली माइक्रोस्कोप की बात होगी, सेल के डेफिनेशन की बात होगी, सेल की थ्योरी की बात होगी, माइक्रोस्कोप की टाइप्स की बात होगी। देन डिफरेंट टाइप के सेल्स, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं, यूकैरियोटिक प्लांट सेल आते हैं, एनिमल सेल आते हैं, और पर सेल के डिटेल स्ट्रक्चर के ऊपर और उनके फंक्शंस के ऊपर बात होगी। थोड़ी सी बात डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ की होगी। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूरी की पूरी बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, जाहिर सी बात है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइफ जो होती है, वो उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल ही होता है। तो अगर सेल का ही स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ आ जाए, सेल का फंक्शन आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो आप जो है वो एक ये वाला चैप्टर होता है और दूसरा वो चैप्टर के जिसके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रही होती है, यानी प्रोटीन्स के बारे में या कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लिपिड्स के बारे में बात हो रही होती है, डीएनए और आरएनए के बारे में बात हो रही होती है। ये दो चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो समझने के बाद आप बाकी किसी भी चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि सारी बात घूम फिर के या तो सेल के किसी कॉम्पोनेंट की होगी या फिर इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की होगी। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो हैं उनकी डायग्राम दी हुई है, जैसे कि आपके स्मूथ मसल टिश्यू हैं, ये मसल की एक टाइप होती है जो कि आपके स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू एक और वैरायटी होती है, नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम के अंदर है। ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। कॉलमनर एपिथीलियम, ये एपिथीलियम बेसिकली कवरिंग को कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये सारे के सारे टिश्यूज जो हैं ये कुछ नहीं होते, ये सेल का सिर्फ कलेक्शन होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है टिश्यू, ये बेसिकली इन सेल्स का कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर पता है और सेल का फंक्शन पता है तो टिश्यू भी समझना आसान हो जाता है, ऑर्गन भी समझना आसान हो जाता है, सिस्टम भी और ऑर्गेनिज्म भी। ना सेल को हमने देखा ही तब जब हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो इन्वेंट किया, जिससे आप छोटी चीज़ों को जो कि आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आती उनको आप बड़ा कर सकते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट के जो चीज़ों को उनके साइज से बड़ा करके दिखा सकता है वो बेसिकली कहलाता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी और माइक्रोस्कोप की टाइप से रिलेटेड यहाँ पर कुछ छोटा सा डिस्कशन है। तो इनिशियली ख्याल ये किया जाता है कि ये भाई साहब थे ज़िकारियस जेंसन, इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट किया था। ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा माइक्रोस्कोप है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा लेंसेज जो है ना वो मौजूद होते हैं। फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास को कहते हैं, और दूसरा कंपाउंड है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा लेंसेज जो हैं वो कंबाइंड होते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ये कहानी स्टार्ट की, एक सिंपल सी ट्यूब थी इनका जो माइक्रोस्कोप था, जिसके अंदर जो है वो दो लेंसेस लगे हुए थे दोनों एंड्स के ऊपर, जैसे कि एक सिंपल ट्यूब है इसके दोनों एंड के ऊपर एक इधर और एक इधर लेंस लगा हुआ था। और इसकी जो मैग्नीफिकेशन थी, मैग्नीफिकेशन बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफिकेशन कहते हैं किसी भी चीज़ को उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा करके दिखाना। तो इस माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन थी वो थ्री टाइम्स से लेकर 9 टाइम्स तक थी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज ये है तो ये इसको इतना बड़ा कर सकता है, ठीक है, ये हो गया 3 टाइम्स, ठीक है, और बड़ा कर लें अगर तो ये हो गया मेरे ख्याल में 9 टाइम्स, ये जगह नहीं है यहाँ पे। तो 3 to 9 टाइम्स जो है ना वो इसकी मैग्नीफिकेशन थी। किसी भी चीज़ को उसके ओरिजिनल साइज से 3 गुना से लेकर 9 गुना बड़ा तक जो है ये माइक्रोस्कोप दिखा सकता था। रॉबर्ट हुक, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सेल को देखा था, सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था, इन्होंने इस माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया था ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो देखा जा सके। तो माइक्रोस्कोप को क्यों डिज़ाइन किया जाता है, तो भाई ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप मैग्नीफाइड विजुअल या फिर फोटोग्राफिक इमेजेस देख सकें। किसकी? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी नेकेड आई कहते हैं अनएडेड, इसका मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, जो हम जैसे कि हम आम जिंदगी में चीज़ें देखते हैं तो वो नेकेड आई है हमारी, ठीक है, जो कि अनएडेड है, जिसके अंदर किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करे, जो लेंस अल्लाह ताला ने दिया है बस आँख के अंदर उसी लेंस की मदद से देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें जो नज़र नहीं आती, तो जो चीज़ें नेकेड आई से नज़र नहीं आती बहुत स्मॉल हैं, उनको बड़ा करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए जो है जो इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया गया, डिज़ाइन किया गया, वो बेसिकली कहलाता है माइक्रोस्कोप। दो पैरामीटर्स हैं जब भी माइक्रोस्कोप की बात होती है तो इन दो चीज़ों की बात होती है। एक की मैंने आपको बता दिया, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन यह है कि किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा करके दिखाना, ये बेसिकली कहलाती है प्रॉपर्टी मैग्नीफिकेशन, ठीक है। और यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये आप नंबर ऑफ लेंसेज, एक से ज़्यादा लेंसेज जो हैं वो प्रॉपर करेक्ट मैनर के अंदर जब आप लगाते हैं तो मैग्नीफिकेशन जो है वो बढ़ती चली जाती है, यानी जो साइज़ है किसी भी चीज़ का साइज़ है वो बढ़ता चला जाता है उसके ओरिजिनल साइज से।
दैट इज़ वाई दो लेंसेज या तीन लेंसेज या मल्टीपल लेंसेज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं करेक्ट सीक्वेंस के अंदर, करेक्ट मैनर के अंदर, ताकि एक चीज़ को बड़े से बड़ा करके दिखाया जा सके। तो मैग्नीफिकेशन तो बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, एक ये छोटा सा डॉट है जो कि आपको नज़र आ रहा है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये आपको इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। तो हुआ ये कि इसके ओरिजिनल साइज से आपने इसे बड़ा कर दिया, ये प्रॉपर्टी कहलाती है मैग्नीफिकेशन। ना दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं कि दो बहुत साथ रखे हुए जो ऑब्जेक्ट हैं उनको सेपरेट सेपरेट करके दिखाना, ये प्रॉपर्टी कहलाती है रेजोल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये दो डॉट्स, ठीक है। अब ये हैं दो डॉट्स लेकिन आपको नज़र जो आ रहा है वो एक डॉट नज़र आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये दो डॉट्स जो हैं ये इतना क्लोज हैं एक दूसरे से कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। लेकिन अगर आप इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखें और माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ये एक डॉट नज़र आ रहा है बड़ा होके, ठीक है, और ये आपको दूसरा डॉट नज़र आ रहा है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि बहुत क्लोज हैं, जिसकी वजह से ये नेकेड आई से जो है वो बहुत नेकेड आई से भी या सिंपल माइक्रोस्कोप से भी अलग अलग नज़र नहीं आ रहे थे। तो रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर बेसिकली वो एबिलिटी होती है माइक्रोस्कोप की कि जिसकी मदद से ये दो बहुत साथ रखे हुए, दो बहुत एक दूसरे के बहुत करीब रखे हुए ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स जो हैं उन्हें सेपरेट करके दिखा सकता है। तो खाली मैग्नीफिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, रेजोल्यूशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर किसी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन अच्छी है तो वो बड़ा तो करके दिखा देगा, लेकिन अगर रेजोल्यूशन नहीं है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो क्लियर नहीं होगी। तो ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी के लिए जो है वो रेजोल्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। तो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर जो है, रिजॉल्विंग पावर या माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन है वो भी अच्छा होना चाहिए अलॉन्ग विद द मैग्नीफिकेशन। तो डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए स्पेसिमन दैट कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट। आसान अल्फाज में दो बहुत करीब रखे हुए ऑब्जेक्ट को सेपरेट सेपरेट दिखाना, ये रिजॉल्विंग पावर कहलाती है, इसे हम रेजोल्यूशन की एबिलिटी कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी माइक्रोस्कोप के पास हाई मैग्नीफिकेशन है तो वो साइज़ बड़ा तो कर देगा, लेकिन अगर लो रेजोल्यूशन है तो आपको बड़ा वर्जन तो मिलेगा, बड़ी पिक्चर तो मिलेगी लेकिन वो ब्लरी इमेज होगी। ये बिल्कुल इसी तरह है कि बहुत सारे मोबाइल का जो कैमरा होता है उसके अंदर जूम करने की एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा जूम कर देता है, यानी आप बहुत दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं लेकिन वो जो पिक्चर बनती है उसकी वो बहुत फटी हुई बनती है, ठीक है, उसके पिक्सल्स जो है ना वो अच्छे नहीं होते। तो ना सिर्फ जूम करने की एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ना सिर्फ मैग्नीफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ क्लैरिटी भी होनी चाहिए। तो माइक्रोस्कोप की जब आप बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन के साथ साथ रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन अगर अच्छा नहीं होगा तो इमेज जो है वो क्लियर नहीं आएगी। नाउ दीज आर टू मेन टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, एक है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप बहुत सिंपल सा है, जिसे आपने देखा होगा अपनी बायोलॉजी की लैब के अंदर। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नाम से पता लग रहा है जो विजिबल लाइट होती है उसे यूज़ किया जाता है किसकी, एज एन एलिमिनेटर, यानी जो भी ऑब्जेक्ट आप देखना चाह रहे हैं उसको आप देखते हैं लाइट की मदद से। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर किसी स्लाइड के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। अब इसके अंदर ये दो लेंसेज नज़र आ रहे हैं मुझे, एक यहाँ पर होता है दिस इज़ कॉल्ड द आई पीस और एक यहाँ पर होता है दिस इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव। तो ये दो लेंसेज को मिलाकर जो है ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप बना है। अब इसके अंदर जब लाइट इस पर पड़ती है तो वो इसकी मदद से जाती है आपकी आई के अंदर और आपको नज़र आता है, ठीक है। तो लाइट को यूज़ किया जाता है एज एन एलिमिनेटर, तो दिस इज़ कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। अब या तो आप डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है और आप उसे डायरेक्टली देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इसकी इमेज निकालेंगे। तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है उसे हम नाम देते हैं स्पेसिमन का, जिस भी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो स्पेसिमन का नाम, उसको स्पेसिमन कहते हैं। तो स्पेसिमन को या तो आप डायरेक्टली देख रहे होंगे या फिर उसकी इमेज निकालेंगे। इमेज जो होती है जो कि माइक्रोस्कोप से निकाली जाती है दैट इज़ कॉल्ड अ माइक्रोग्राफ, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से निकाली गई इमेज को माइक्रोग्राफ कहते हैं। मैग्नीफिकेशन जो है, यानी जो साइज़ को बड़ा करने की एबिलिटी है, वो इसके दोनों लेंसेज के ऊपर बेस करती है, एक को हम आई पीस कह रहे हैं एक को ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं। तो अगर किसी माइक्रोस्कोप की, यानी लाइट माइक्रोस्कोप की, आपको टोटल मैग्नीफिकेशन निकालनी है, मैग्नीफिकेशन और इसके आगे टी, टोटल मैग्नीफिकेशन निकालनी है, तो सिंपल फार्मूला होता है कि आप इन दोनों की मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल आई पीस की जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, ये इसको मल्टीप्लाई करवा दें मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तो ये दी जाती है फिजिक्स के अंदर भी, मेरे ख्याल में मैटर क्लास के अंदर फिजिक्स में पूरा चैप्टर है कि जिसके अंदर माइक्रोस्कोप का टॉपिक है।
तो मैग्नीफिकेशन का टॉपिक वहाँ कवर हो जाएगा। तो टोटल मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होता है कि आप दोनों की जो मैग्नीफिकेशन है उसे मल्टीप्लाई करवा दें। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो नीचे जो लेंसेज लगे हैं या आप अगर गौर करें तो एक से ज़्यादा हैं, एक ये है एक ये है, इनकी डिफरेंट मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। तो किसी की 4 है, किसी की 10 है, किसी की 40 है। तो आप इसे घुमा भी सकते हैं अगर आपने कभी माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया हो। तो यहाँ पर ये जो लेंसेस लगे हुए ना इसके ऊपर ये जिस सर्कल पे लगे हुए होते हैं ये घूमता है। तो आप इस लेंस को उठा के पीछे ले जाएं, इस लेंस को उठाकर इसके ऊपर ले आएं स्लाइड के ऊपर। तो डिफरेंट तरह के लेंसेज की डिफरेंट मैग्नीफिकेशन है। तो जो लेंस आप यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल आप 4 वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और आई पीस जो है जो ऊपर वाला लेंस है उसकी मैग्नीफिकेशन फिक्स है, वो एक ही लेंस है। तो इसकी सपोज मैग्नीफिकेशन 10 है तो आप टोटल मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो आई पीस की जो है वो 10 है और ऑब्जेक्टिव जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी 4 है, तो ये टोटल मैग्नीफिकेशन निकलेगी 40, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की मैग्नीफिकेशन टोटल आ सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया है और इसकी पिक्चर ली हुई है। तो पिक्चर को हम कहते हैं माइक्रोग्राफ। तो पहला जो माइक्रोग्राफ है ये अनियन के सेल्स हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी करवाया जाता है लैब के अंदर, अनियन की जो लेयर होती है उसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये अनियन के सेल्स हैं, ठीक है। और दूसरा दूसरी पिक्चर के अंदर, दूसरे माइक्रोग्राफ के अंदर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने कवर किया था, जिसका नाम है अमीबा, ठीक है। तो दीज आर टू माइक्रोग्राफ जो कि ऑब्जर्व किए गए हैं। अच्छा, इनका एक्चुअल कलर जो है ना वो ये नहीं होता, ये जो कलर नज़र आ रहा है पिंक और ये जो कलर नज़र आ रहा है पर्पल, ये ऐड किए जाते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए, अदरवाइज तो ये कलरलेस नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो कलर्स या स्टेन्स इन्हें हम कहते हैं, या डाई डाई हम इन्हें कहते हैं, ये डाली जाती हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट कलर्स को पिक करती हैं, जिसकी वजह से वो हाईलाइट हो जाती हैं और हमें क्लियर नज़र आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पर्पलिश नज़र आ रहे हैं और ये जो न्यूक्लियस है ये ब्लूइश नज़र आ रहा है। तो डिफरेंट कलर के स्टेन्स या डिफरेंट कलर के डाइज जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये पूरा का पूरा पिंक नज़र आ रहा है। तो माइक्रोस्कोप के साथ ये भी यूज़ किए जाते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अनदर वेराइटी ऑफ माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में आप विजिबल लाइट इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी मदद से देख रहे थे। इस माइक्रोस्कोप के नीचे यहाँ पर जो है वो एक अदद मिरर लगा हुआ होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप जो एटम का एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसे इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की बीम को इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं और उनसे जो इमेज बनती है उसे आप देखते हैं इस माइक्रोस्कोप के अंदर। तो पहली चीज़, पहला जो डिफरेंस है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर वो है कि आप किस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं एज एन इल्यूमिनेटर, किस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं इमेज को देखने के लिए। तो विजिबल लाइट को इस्तेमाल करेंगे तो वो लाइट माइक्रोस्कोप कहलाएगा और इलेक्ट्रॉन की बीम को इस्तेमाल करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाएगा। अगर इन दोनों की वेवलेंथ को कंपेयर किया जाए, वेवलेंथ किसे कहते हैं, फिजिक्स के अंदर शायद आपने पढ़ा हो, कोई भी वेव जो होती है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका होता है क्रेस्ट, ठीक है, ये जो अपर पार्ट है, ये जो अल्लाह कैसे चल रही है माउस को पता नहीं क्या हो गया, हाँ, तो एक इसका अपर पार्ट है, ठीक है, ये अपर पार्ट जो है ये कहलाता है क्रेस्ट और ये जो लोअर पार्ट है ये कहलाता है ट्रफ। ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, ठीक है। तो ये भी ट्रफ है और ये एक और क्रेस्ट है। तो दो क्रेस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, या दो ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है वेवलेंथ। तो अगर ये फॉर एग्जांपल एक किसी का इस तरह है, फॉर लाइट माइक्रो लाइट की अगर हम बात करें, जो सनलाइट है या जो विजिबल लाइट है उसका सपोज कर लें इतना है, तो जो इलेक्ट्रॉन की बीम है उसका इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें डिस्टेंस जो है ना, ये दो क्रेस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, ठीक है, और दो ट्रफ के दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, यानी जो वेवलेंथ है वो कम हो गई। तो जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और जो इलेक्ट्रॉन की बीम है उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है। तो इसकी वजह से जो इमेज बनती है वो हाई रेजोल्यूशन की बनती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इमेज बनाता है वो एज़ कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल की जाती है और उस इलेक्ट्रॉन की बीम की जो वेव होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से हाई रेजोल्यूशन वाली या क्लियर इमेजेस बनती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसे आप पूरा का पूरा सेल देखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इवन जो सेल के अंदर के कंपोनेंट होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, तो वो छोटे स्ट्रक्चर जो है जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आएंगे वो स्ट्रक्चर्स भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं।
लाइव सेल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल की जाती है, वो जाकर डैमेज करते हैं उसे, तो लाइव सेल जो है वो इसके अंदर नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक सिंपल कंपैरिजन दिया हुआ है। ये जो आप ये वाली इमेज जो देख रहे हैं, ये लाइट माइक्रोस्कोप से एक तरह का बैक्टीरिया है जिसको हम सेल्मोनेला कहते हैं, एक बीमारी होती है जिसे टाइफॉइड कहते हैं, वो कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। तो ये नज़र आ रहे हैं बहुत सारे जो पर्पल डॉट नज़र आ रहे हैं, ये वाला बैक्टीरिया है जो कि लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र आ रहा है। ये माइक्रोग्राफ है यानी पिक्चर ली हुई है। और दूसरी तरफ जो नज़र आ रहा है आपको ये बैक्टीरिया, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई इमेज है। तो गौर करें इसके अंदर जो है वो मैग्नीफिकेशन इसकी अगर देखें और इसकी अगर मैग्नीफिकेशन देखें तो बहुत डिफरेंट है। इसके अंदर नज़र भी नहीं आ रहा कि ये एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया, जबकि इसके अंदर एक बैक्टीरिया इतना बड़ा जो है वो नज़र आ रहा है। तो लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो रेजोल्यूशन है यानी इसकी जो इमेज बन रही है वो बहुत क्लियर बन रही है। इवन ये बहुत करीब करीब दो बैक्टीरिया हमें नज़र आ रहे हैं लेकिन स्टिल इनको क्लियरली अलग अलग दिखाया जा रहा है। तो ये रिजॉल्विंग पावर होती है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बहुत ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन है वो 0.2 नैनोमीटर है। नैनोमीटर बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, एक्सपोनेंट -9, ठीक है, 1 एक्सपोनेंट -9 मीटर का डिस्टेंस होता है। -9 का मतलब है 0.00000090 के बाद जो है 90 के बाद जो है वो 1 आएगा। और इतना जो है इतना छोटा, इतना करीब करीब जो है ना वो दो चीज़ें अगर रखी हुई तब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उन्हें सेपरेटली आइडेंटिफाई करवा सकता है। और मैग्नीफिकेशन जो होती है वो उसकी होती है 250,000 टाइम्स, ठीक है, 250,000 गुना मैग्नीफिकेशन होती है एज़ कम्पेयर टू द अनएडेड आई, जो नेकेड आई होती है उसके मुकाबले में 250,000 गुना आपको जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा नज़र आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को छोटे ऑर्गेनिज्म को डिटेल में स्टडी करने के लिए, वो चीज़ें जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आती यानी सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उनकी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक को हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो जाकर टकराती है किसी ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये एक सेल है, तो इलेक्ट्रॉन की बीम आके जब टकराएगी और टकरा के वापस जाएगी तो ये इसकी 3D इमेज बनाएगी, ठीक है, इसके ऊपर टकराने के बाद जब जाएगी तो इसकी 3D इमेज बनेगी एज इट इज़, जैसा हमें नज़र आ रहा है। जैसे एक आपको ब्रेड है, तो ब्रेड के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बीम मारूंगा तो वापस आएगी, तो ब्रेड जिस तरह से मेरे सामने मुझे नज़र आ रही है वैसी ही एक इमेज जो है मुझे नज़र आएगी। ऑल्दो ये छोटे स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है यहाँ पे, छोटा स्ट्रक्चर है सेल, तो सेल जिस तरह का उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वैसा ही नज़र आएगा, 3D मॉडल जो है उसका बनेगा। ये कहलाती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जबकि इसके मुकाबले में जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, इसके अंदर जो सैंपल होता है उसे पहले कट किया जाता है थिन स्लाइसेस के अंदर। तो अब ये सेल है, अगर इसको कट किया जाए स्लाइसेस के अंदर और फिर एक स्लाइस को इस तरह से ऑब्जर्व किया जाए कि इसके थ्रू जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन की बीम पास हो जाए, तो अब जो इमेज बनेगी ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर की जाती है। तो ये बिल्कुल उसी तरह की इमेज बनेगी जैसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर बनती है, लेकिन इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, कहाँ गई वो अमीबा की जो फ्लैट इमेज थी, ये अमीबा की जो फ्लैट इमेज आपको नज़र आ रही है, ठीक है, जो जब आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो इमेज ऐसी ही होगी जिस तरह ये 2D इमेज नज़र आ रही है ना, ये 2D इमेज है, ये 3D इमेज नहीं है, इसकी आपको वो नज़र नहीं आ रही, साइड्स नज़र नहीं आ रही, ये 2D इमेज है। तो इसी तरह की इमेज नज़र आएगी, लेकिन ऑब्वियसली लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब वो बनेगी तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगी और बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी। तो ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर होता है, जबकि ये सेल भी जो आपको नज़र आ रहा है ये 2D इमेज नज़र आ रही है। 3D इमेज अगर आपको नज़र आएगी तो वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है, ये पूरी इसकी जो साइड्स हैं वो भी नज़र आएंगे और पूरा इसका शेप नज़र आएगा। तो वो आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर नज़र आता है। ट्रांसमिशन के अंदर स्लाइसिस नज़र आते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इससे आप और ज़्यादा डिटेल में जो है वो उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप, बट इमेज सिमिलर टू द लाइट माइक्रोस्कोप बनती है। नाउ ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बनाई हुई, देखें इसके अंदर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, इसके सेक्शंस नहीं है, और ये जिस तरह का आपको नज़र आ रहा है ये इसी तरह का एक्चुअल में मौजूद होता है। तो ये 3D इमेज बना रहा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। नाउ ये कुछ डेट्स के हिसाब से कुछ साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दिया हुआ है, इसको जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं फिर ये लेक्चर एंड होगा। ना 1665 के अंदर जो है वो सेल को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था,
और ये कौन साहब थे, ये रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने सेल जिन्होंने प्लांट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉर्क कहते हैं, उस कॉर्क को ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप, तो उन्हें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर मिला था। ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है शहद की मक्खी के छत्ते जैसा, ये माइक्रोस्कोप था जिससे इन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो हनी कॉम लाइक अपीयरेंस मिली थी। और जो कॉर्क होता है इसके अंदर जो सेल्स हैं वो डेड सेल्स थे, तो इन्हें खाली सेल वॉल जो है ना वो क्लियर नज़र आ रही थी और अंदर से हॉलो नज़र आ रहा था, इसी वजह से इन्होंने इस नाम दिया सेल। सेल का मतलब होता है हॉलो स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इसके बाद 1670 के अंदर, ये पूरी टाइम लाइन है, 1670 के अंदर पहला लाइव सेल देखा गया। कॉर्क सेल जो है ये डेड सेल था, लिविंग सेल जो पहला देखा गया वो एंटनी वॉन लीवेनहुक ने देखा। इन्होंने जो है वो पॉन्ड से एक वाटर का ड्रॉप लिया और उस वाटर के ड्रॉप को माइक्रोस्कोप में देखा, तो वहाँ तो इन्हें पूरी एक नई आबादी मिली जो कि अब तक जो है वो अनडिस्कवर्ड थी। 1683 के अंदर इन्होंने ही, एंटनी वॉन लीवेनहुक ने ही लेटर वेटर लिखे बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद, इन्होंने ही फर्स्ट प्रोटोजोआ को देखा था और बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप के अंदर उसी पॉन्ड वाटर के अंदर। उसके बाद इन्होंने फर्दर और भी बहुत सारी डिस्कवरीज की, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर किए और लेटर शेटर लिखे। 1833 के अंदर जो सेंटर ऑफ द सेल है जैसे न्यूक्लियस का नाम देते हैं, वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था प्लांट सेल के अंदर। 1839 के अंदर सेल थ्योरी जो है उसके पॉइंट्स आना शुरू हुए। थियोडोर शोआन जो कि बॉटनिस्ट थे, उन्होंने जो है वो ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स जो हैं वो सारे के सारे उससे बने हुए हैं और एनिमल टिश्यू जो है वो भी सेल से बने हुए हैं। उसके बाद 1839 के अंदर फिर सेल थ्योरी के ऊपर वर्क होना शुरू हुआ, सेल थ्योरी के पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हुए। देन 1840 के अंदर जो है वो वॉन रॉय लिकर जो थे उन्होंने ये पॉइंट दिया कि जो लाइफ हमारे पास स्टार्ट होती है स्पर्म और एग से, तो ये स्पर्म और एग जो है ये भी बेसिकली क्या है, ये भी बेसिकली सेल्स ही हैं, ये कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, दो सेल्स जो हैं उनसे ही मिलकर एक नई लाइफ स्टार्ट होती है। 1845 के अंदर कार्ल हेनरिक ब्राउन ने जो है ना वो सेल थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा वर्क किया और इन्होंने ये वाला पॉइंट जो है वो कंक्लूड किया कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। जो श्लीडन और शोवान थे उन्होंने कहा था कि प्लांट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं और एनिमल्स जो है वो एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी भी सेल से बनी हुई है, प्लांट्स की बॉडी भी सेल से बनी हुई है। इसने कहा कि भाई ठीक है, इन दोनों को मिलाकर सेल को हमने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कंसिडर कर लिया। 1855 के अंदर जो थर्ड पार्ट था सेल थ्योरी का, जिसे रोडोल्फ हर्शू ने दिया था कि सेल जो है वो एक डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है। डिनोवो का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो खुद से बन जाए। मैंने आपको बताया था कि नया सेल जो है वो तभी बनता है जब पुराना सेल क्या करे, जब पुराना सेल डिवाइड करे। तो ये पॉइंट जो है रोडोल्फ हर्शू ने 1855 के अंदर दिया था कि न्यू सेल सिर्फ तब बनेंगे जब पुराने सेल डिवाइड होंगे, इट्स नॉट अ डिनोवो स्ट्रक्चर। डिनोवो का मतलब ये खुद से फॉर्म नहीं हो जाता, ऐसा नहीं है कि कहीं से प्रोटीन आ गई, कहीं से कार्बोहाइड्रेट आ गया, कहीं से लिपिड आ गया और ये मिलकर एक नया सेल बना दें। एंड देन 1862 के अंदर लुई पाश्चर जो था जिसका वर्क जो है वो पुरानी बुक्स के अंदर दिया हुआ था, 9 की बुक में मेरे ख्याल में नहीं दिया हुआ, बायोलॉजिस्ट था, माइक्रो बायोलॉजिस्ट था, केमिस्ट था, उसने इसी आइडिया जो है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया कि किस तरह से पुराने सेल जब डिवाइड करते हैं तो नए सेल जो है वो फॉर्म होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल थ्योरी, दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप। आई होप समझ आया होगा, ये थोड़ी बहुत बेसिक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह बात करेंगे सेल की डेफिनेशन के ऊपर, सेल थ्योरी के ऊपर, एंड देन बात होगी उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के सेल्स के ऊपर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अगर अच्छे से समझ लिया तो बाकी बायोलॉजी जो है उसे समझने में मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगी।